हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू सॉल्व एन इंटीग्रल इक्वेशन। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो एल एफ एक्स बराबर होता है एफ एस बराबर 0 to ∞ एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, जहाँ पे एस जो है वो लाप्लास वेरिएबल है, लाप्लास पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो अगर अब हम एफ एक्स जो है इस एफ एक्स को कई बार हम डिनोट करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल इनवर्स एफ एस, तो कई बार हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी हम निकालते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी इस तरह से फॉर्मूला होता है जो कि 0 to ∞ ई टू द पावर एस एक्स, और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका जैसे सपोज एल ऑफ एफ एक्स है ये ऑफ डी एक्स, यानी कोई जो इस फंक्शन का अगर लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का निकालना है तो इस फॉर्मूले में पुट करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है 1/(x)^2 + 1, कॉस एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है (s)^(s)^2 + 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स का जो होता है 1/(s−a), लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का जो होता है (n)((x)^(n+1), जहाँ पे n>=0, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स का जो होता है (s(f)s−f0), लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का जो होता है 1/s। मैं इनमें से एक एक दो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज ई टू द पावर ए एक्स का निकालना है, तो इस फॉर्मूले में सिंपली यहाँ पे हमें पुट कर देना है 0 to ∞ एफ एक्स जगह ई टू द पावर ए एक्स पुट कर देना, तो ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, तो ये हो गया हमारे पास 0 to ∞ और ये हो गया ई टू द पावर माइनस, और ये हो जाएगा (s−a)x ऑफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पे आ जाएगा इसका, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके रख देता हूँ मैं 1/(s−a)- के साइन के साथ, और ये हो गया ई टू द पावर माइनस (s−a)x और 0 to ∞। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, जो कंडीशन होगी जहाँ पे s>a है, s>a होगा। तो s>a के लिए जब इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो ये टर्म जो है वो, चूंकि ये (s−a) जो है पॉजिटिव, तो ये टर्म 0 पे चली जाएगी, तो अपर लिमिट हो जाएगी 0 माइनस, जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है 0 अप्लाई करने पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/(s−a) जो कि हो गया 1/(s−a)। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का, चाहे साइन एक्स हो, कॉस एक्स का हो या कोई अदर फंक्शन हो, उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं। अब आता है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन। द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन f1x एंड f2x इज डिनोटेड बाय बेसिकली f1*f2, यानी f1 कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूट टू f2 इज डिनोटेड बाय f1*f2x, जहां पे 0 to x f1x−i f2i dj। फिर से ये हमें से याद रखना है, तो कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास एसोसिएटिव होता है, साथ ही कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया कि (x−i) की जगह एक अलग वेरिएबल टी वेरिएबल पुट करके, और बाद में इसमें हमें जो वैल्यू आएंगी उसके बाद हमें चेंज ऑफ ओरिजिन करना है। चेंज ऑफ ओरिजिन करके हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। बाद में जो फंक्शन आएगा टी, टी की जगह हम वहाँ पे जाई पुट कर देंगे, और जाई पुट करने पे हम देखेंगे लास्ट में कि ये जो है वो आ जाएगा हमारे पास f2 0 to x (x−i) और f1 (j)। तो ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव होता है। ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे शो की है। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम विदाउट प्रूफ, ये हमारे पास एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, कोई दो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट
अब F1 स्टार F2 का अगर हम कॉन्वोल्यूशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो वो क्या आएगा, L F1X, यानी कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है हमारे पास डिफरेंस इंटीग्रल और कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो कंसीडर एन इंटीग्रल क्वेश्चन जो है, सपोज ये क्वेश्चन है UX बराबर FX A2 BX KX-ZUX dZ। लेट द कर्नल KX-ZUX जो है वो हमारे पास डिफरेंस इंटीग्रल, यानी कि ये है हमारे पास जो फंक्शन है वो X-ZUX है से GX-ZUX। इसको अगर हम KX को हम GX-ZUX से डिनोट कर दें तो UX बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 A2 BX KX-ZUX dZ। सो इन दिस केस द कर्नल KX-ZUX जो है वो हमने फंक्शन ले लिया GX-ZUX इज कॉल्ड डिफरेंस कर्नल। जो ये डिफरेंस जो कहलाती है, ये कर्नल जो कहलाती है वो डिफरेंस कर्नल कहलाती है। एंड द करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंस इंटीग्रल और कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, और जो इससे करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल आता है वो कहलाता है हमारे पास डिफरेंस इंटीग्रल और कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। अब फ्रेंड्स इसका जो वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, या वर्किंग प्रोसेस तरह से क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन इस तरह से है हमारे पास UX बराबर FX प्लस लैम्डा 0 टू X KX-ZUX dZ, वेयर KX-ZUX इज डिफरेंस कर्नल ऑफ द टाइप GX-ZUX, इस टाइप की कर्नल है। तो उस कंडीशन में UX बराबर हो जाएगा FX प्लस लैम्डा 0 टू X GX-ZUX dZ। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये अगर हम देखें तो ये क्या था, हमारे पास कॉन्वोल्यूशन था F1, अगर यहाँ पे देखें तो जी स्टार यू का कॉन्वोल्यूशन था। तो इसको जी स्टार यू का कॉन्वोल्यूशन के तरह पुट कर सकते हैं, UX बराबर FX प्लस लैम्डा GX स्टार UX। अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज यूएक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूएस है, कैपिटल यूएस है, FX का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल FS है, और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेमडा GS.US है। तो ये आ गया हमारे पास, अगर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वेयर US FS एंड GS रिप्रेजेंट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ UX FX एंड GX रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो US बराबर क्या जाएगा, कैपिटल सॉरी कैपिटल US, क्योंकि ये फंक्शन इधर जाएगा तो माइनस लेमडा GS US इक्वल टू FS। तो यहाँ से US कॉमन लेके और बाकी पार्ट को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा FS अपॉन 1 माइनस लेमडा GS, ये हो गया। तो ये हमारे पास US आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि US जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था UX का, तो इनवर्स इसका क्या हो जाएगा UX। तो UX बराबर आ गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FS अपॉन 1 माइनस लेमडा GS। तो इस तरह से UX को इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। नोट, मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल टू दोज इंटीग्रल इक्वेशन ओनली वेयर द कर्नल इज डिफरेंस कर्नल। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ओनली तभी अप्लाई है जब हमारे पास कर्नल जो है वो डिफरेंस कर्नल है, तभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।